अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीना ज़ीशान और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुकिंग विद ज़ीना में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा कलेजी मसाला। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कलेजी, बीफ की आधा किलो, प्याज एक बड़े साइज़ की, टमाटर दो अदद कटे हुए, दही 5 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, सब्ज मिर्चें हसब ज़रूरत, सब्ज धनिया कटा हुआ हसब ज़रूरत, नमक हसब जायका, साबित गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, पानी डालेंगे थोड़ा, अब इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। दो से तीन मिनट के लिए कलेजी फ्राई हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, हल्दी, पिसा सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च, सब्ज मिर्चें। अब दो से तीन मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। अब इसमें एक गिलास पानी शामिल करेंगे और कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, कलेजी अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। कलेजी मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। आप इसमें शामिल करेंगे सब्ज धनिया, कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला,
मिक्स करेंगे। कलेजी मसाला तैयार है, अब इसे डिश आउट करेंगे। तो मज़ेदार से ढाबा कलेजी मसाला तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।